कौन कौन आए हैं इसमें, किसी को बुलाया गया है? जी सर। हाँ हाँ, कहाँ दूसरी पार्टी कहाँ है? ज्ञानवती बताइए, आप बताओ क्या है, क्या शिकायत है इनसे? जगवान सब जने 8 बजे रात के हमारे घर पे कोई नहीं थे, मेरा पति बोल पे था जी, सब जने दारू पी के हमारी गाड़ी को लौट दी, हाथ पकड़ा और हमारे ससुर दौड़े, मेरा जेठौत दौड़ा बस। ये जो मुकदमा लिखा गया 174/22 है, किसने लिखाया? हमारे ऊपर ये वादी है। इन्होंने लिखवाया 452, 354 और ये। जी सर। तो क्या सच्चाई है, आप मौके पर गए? जी सर। क्या है सच्चाई? ये मार्केट सर ऐसा है, ये और एक इनका लड़का है, ये सुबह दिन में गए थे राशन के लेने दूसरे गांव में, इनसे कुछ पार्टी बंदी की बात हुई, माननीय मुलायम सिंह और मुख्यमंत्री के वर्तमान मंत्री बातचीत होने के बाद गाँव में आए, तो लड़का बैठा था दूसरे के चबूतरे के सामने, उन्होंने बुलाया उसको, और बुलाने के बाद दोनों में बातचीत और झटका विवाद हुआ। उसका कहना है कि मुझे मारा लाठी डंडा। चुप रहो, उन्हें बताने दो, जब आपसे पूछा जाए तब बोलना। उसके बाद ये व्यक्ति चला गया अपने घर, वो लड़का अपने गया पिताजी को बता, जो मूंगफली उठाने का खेत गए, जब पिताजी को बताया तो ये लोग 3-4 लोग मिल करके, इनका कहना है बुलाना देने इनके घर गए थे, इनके घर गए वहाँ, इनका कहना है कि इन सबों को देखे तो हम अपना जान बचा के भागे और मेरी पत्नी से छेड़छाड़ की और मारे बैठे, ये हो गया घटना। उसके बाद शाम को इसके परिवार के लड़कों से इकट्ठा हुए तो इसके यहाँ गए, ये घटना। नहीं तो इसका लिखा गया, इसका मुकदमा नहीं, क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा, इसका भी लिखना चाहिए था। क्यों, जब एक बार पुलिस में रिपोर्ट कर दी, क्यों चढ़े इसके घर पे जाके? नहीं सर, हमारी सुन लो, हां सर, जिन लोग हमारे जैसे हम दोनों की लड़ाई हुई थी सर, हम घर चले गए, 4-5 लोग आए सर, अंदर घुस के हमको मारने पे पकड़े जाते हैं, मौका पे हम पूछ सकते सर, इन्हें हमारी बाइक को बेइज्जती से करे मारा है, कान के बाल आला पड़ गए, और जहाँ भी कसम करे जो भी बैठे सामने आपके जिस ईमान से बोल दें सर, जो सजा हो हमें मंजूर है, इन लोगों ने हमारी बेइज्जती सर बाइक सर बस सर्जुकी की सर, बताइए बाला वाला इसके कान फाड़ दिए जी, खड़े सा हमारे लड़का, एक लड़का एक आदमी, क्यों इसके गांव में जो है ज्यादा क्रिमिनल है इसके घर में? किसके आदमी जाता है गांव में? सर, इनके साथ छेड़खानी की, टच भी किया तो कसम भगत बजेंगे, कसम जे खाजा बजे, मार पिटाई तो की है, क्यों छेड़छाड़ हुई है क्या? हमारे लोंडे ने छेड़छाड़ किया, जो 356 इसे लिखवाया सर, 356 इसके खिलाफ लिखवाया, इसके लोंडे के खिलाफ इसने की है, तो इसने की है छेड़छाड़ वहां जाकर। ये इनके जो दो गवाह हैं, उनका कहना है कि इसे घर में घुसे वहां छेड़छाड़ की है, और इसके गवाहों से भी पूछा, इनके गवाहों से इनके चाचा नहीं, तो आप मौके पर आपने देखा नहीं क्या है, तो इसमें आगे आप लोग नहीं तय कर पाते कि क्या है मामला, क्या होना चाहिए? हाँ तो इसी, या तो इसी विवेचना में जितना इन्होंने किया उतना इसमें जो चार्जशीट इनके खिलाफ भी कीजिए, विवेचना में नाम ले आइए ना, अभी एक आदेश एक निकाला है कि जब अगर एक घटना हुई है और उससे जुड़े हुए जितने मामले हैं सब उसी विवेचना में शामिल कर दिए जाए, तो क्यों नहीं करते हो? या अलग से केस लिखाना, अलग लिखा दो इसका, इनके घर में कितने क्रिमिनल हैं, क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है जो इसके घर के आदमी है, देखिए आपने जी सर, हाँ कितने लोग हैं जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, इनके परिवार के एक दो थे हैं जो सचा उचा लगते हैं, गाने के धंधा करते हैं सर, वो जेल में जा चुके हैं, छेड़छाड़ का नहीं, मारपीट तो हुई है,
मारपीट में ही भेज दो इन लोगों ने। सर हमारे घर तक उसके बाद तुम्हारा काम को बाला। आप अपने आप निर्देश देकर कराइए, एक तरफा कार्रवाई ना कीजिए, ध्यान रखिए। चलिए तो सर हम तो ईमान से कहते हैं, इनके तरफ हमने उंगली भी उठाई हो सर, तो कसम बजाएं की कसम। मारपीट तो की है ना सर, मारपीट की हम दोनों की। घर सुन के आया हूं, उसके घर गए तो मैंने सब गाली तक नहीं दी। आप घर लिए चलिए, चलो चलो बाहर, चलो आवाज नहीं, चलो बाहर, चल इसको बाहर करो, चलो जी। घर ना गए हो सर जी, चलिए इनके पिताजी जी हमारी वाइफ को ना मारो। चलिए हटिए, बता दिए बस दरोगा जी के साथ में सर। हमने वहाँ पे बयान लगवाए कोर्ट में, महोबा में जाके अभी करके जितना हुआ है इनको भी अभियुक्त बना दीजिए, जितना इनकी तरफ से जिन लोगों ने इसके घर पे चढ़ाई की। नहीं सर, समझ में आई, या तो उसी में लिख दो या इसकी तहरीर पे जो अलग से मुकदमा कायम करा, दोनों में से एक काम कर देना आज जाके। चलिए अपने यहाँ पता करके जाओ, महोबा का कोई और आया हुआ हो तो बात करो। जरा हाँ तो कार्रवाई होगी, नहीं घर में घुस के मारो इन्हें, हम हमारे ऊपर फांसी चढ़ा दो सर, हम मंजूर करें एक भी। हाँ लिखा हुआ है तो तुम्हारी FIR लिखी है। हाँ सर चलिए, बस कोई बात शुरू की नहीं की हमने, जी लोग कुछ ना शाम को FIR करा ली गई ना, हम हमारी बहनों खत्म हुए जी सर, हमारा पूरा घर बहनों खत्म हुआ जी। अरे गाँव में दो चार लोगों से बात करो, पता चल जाएगा क्या जी। सर जी सर, ये वर्तमान में बीजेपी से जुड़े हुए लोग आमने सामने कोई एक दूसरे गवाह नहीं है। अबे गवाह हो या ना हो तुम्हें नहीं पता चलता क्या हुआ होगा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसके घर पे चढ़ के उठा के उतनी कार्रवाई करके बंद कर दीजिए, पाबंद कर दीजिए, बस तो कर दीजिए उतने में। 504 में लगाइए, 147 बलवा मान लिया, 10 आदमी गए हो तो बलवा लगाइए, 147 लगाइए, 48 लगाइए। गाँव में जब तक दोनों पे कार्रवाई नहीं करोगे ये वहाँ चलता रहेगा टेंशन। आज कीजिए इसमें इसी भी बेचना में ले आइए, ये बता रहे हैं ना तुमने, वहां तक का तो कर दिया, उसका मुकदमा नहीं लिखा, मुकदमा नहीं लिखा तो उसमें जितना इन्होंने किया उतना इसके ऊपर कराइए।